ओके बेटा, देखिएगा अब हम क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर, इस टॉपिक के अंदर, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कि मनुष्य में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहली बात देखिएगा कि नॉर्मली टीचर्स क्या बताते हैं बेटा डाइजेशन के अंदर, वो केवल एक डाइजेशन को ही बताते हैं, लेकिन इसके अंदर पांच प्रोसेस होते हैं बेटा। पहला है इंजेशन, इंजेशन होता है बेटा अंत्यग्रहण बोलते हैं। ठीक है, फिर मेन डाइजेशन आता है, फिर एब्जॉर्प्शन आता है, फिर एसिमिलेशन आता है, और फिर इंजेशन आता है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक इज देयर इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय द ह्यूमन एंड एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इंजेशन। ठीक है भाई, मनुष्य के द्वारा और या किसी भी दूसरे जीव के द्वारा भोजन को अंदर लेने की, जो अंदर ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है, इंजेशन या अंतर्ग्रहण कहलाती है। ह्यूमन इज एन ओमनिवर्स एनिमल, ओमनिवर्स होता है बेटा सर्वहारी, क्या होता है सर्वहारी। ठीक है, ओके, इंजेशन ऑफ फूड कंप्लीट इन टू स्टेप, भाई फूड का जो इंजेशन है बेसिकली दो स्टेप में होता है। पहला होता है फूड इज मेस्टिकेटेड, मेस्टिकेटेड होता है मथना। ठीक है, इन फर्स्ट स्टेप एंड स्वेलोड, स्वेलोड होता है बेटा, मेस्टिकेटेड का मतलब मथना और चबाना होता है, और दूसरा होता है मेस्टिकेटेड का मतलब होता है चबाना या मथना, और उसके बाद होता है निगला जाता है। इन सेकेंड स्टेप फूड इज टेकन इनसाइड आफ्टर कटिंग बाय द इंसाइजर्स। ठीक है, अब नॉर्मली फूड को अंदर लिया जाता है बट इंसाइजर टीथ आप लोगों ने पढ़ा था, उसके द्वारा कट करके लिया जाता है। इट इज मेस्टिकेटेड बाय द प्रीमोलर, और उसको चबाया जाता है किसके द्वारा, प्रीमोलर और मोलर के द्वारा। बाय कलेक्टिव एक्टिविटी ऑफ टीथ, किस किस की एक्टिविटी होती है, टीथ की, टंग की, एंड मसल्स ऑफ फूड मेस्टिकेटेड, और मसल्स की। ठीक है ना, ये तीनों इसमें काम आते हैं। ओके, फूड इज मेस्टिकेटेड इन बकल कैविटी, नॉर्मली जो फूड का मेस्टिकेशन होता है, फूड को चबाया जाता है, उसको किस में चबाते हैं अपन लोग, बकल कैविटी में। फूड इज रोटेटेड, रोटेट होता है बेटा घुमाना, इन बकल कैविटी बाय द टंग, जो जीभ है बेटा वो एक शाफ्ट की तरह काम करती है, वो उसे घुमाती है। एंड बाय द मिक्सिंग ऑफ सलाइवा फूड इज कन्वर्टेड इंटू सेमी सॉलिड बॉल। ठीक है, अब सलाइवा के मिक्सिंग के दौरान जो आप लोगों को मैं बताऊं, फूड जो है वो सेमी सॉलिड बॉल, बॉल होता है बेटा निवाला बोल दो आप लोग, बॉल वैसे निवाला होता है। ठीक है, विच इज नोन एज बॉलस, जैसे आप लोग बॉलस बोलते हो। ठीक है ना, एक बेटा सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे आप लोग बॉलस बोलते हो। यानी बॉलस क्या है, बॉलस क्या है कि वैन द सलाइवा इज एडेड इन टू द फूड पार्टिकल दैन फूड इज टर्न टू बॉलस। ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ मेस्टिकेशन इज कम्प्लीटेड ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन, वो किसके कारण होता है, रिफ्लेक्स एक्शन ओरिजिनेट बाय द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द बकल कैविटी। ठीक है भाई, फूड के बकल कैविटी में आने के बाद जो नॉर्मली आप लोगों का डाइजेशन होता है उसमें आप लोग उस रिफ्लेक्स एक्शन होता है, उसके कारण मेस्टिकेशन कम्प्लीट होता है। फिर आता है डाइजेशन, यहाँ से मेन डाइजेशन स्टार्ट होता है। पहला है डाइजेशन इन बकल कैविटी, फर्स्ट आता है आप लोगों का डाइजेशन इन बकल कैविटी। ठीक है, सलाइवा इज मिक्स्ड विद द फूड, अब बकल कैविटी में सबसे पहले फूड आया। ठीक है, तो कौन सा मिक्स किया गया, सलाइवा, सलाइवा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, जिसकी पीएच होती है बेटा 6.8, ऑफ सलाइवा इज स्लाइटली एसिडिक, यानी हल्का एसिडिक, एसिडिक हल्का यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर देखो 6 से 7 के बीच में अगर पीएच है ना तो स्लाइट एसिडिक है, हल्का एसिडिक है। ठीक है, अमाइलेज, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, अमाइलेज प्रेजेंट इन द सलाइवा इनिशिएट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, भाई सलाइवा में अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को इनिशिएट करता है। स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इज हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, स्टार्च जो कि फूड में प्रेजेंट है अब वो क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च को। हाइड्रोलाइज मतलब डिग्रेडेशन, लिख लो डिग्रेडेशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या होता है डिग्रेडेशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, ओके, हाइड्रोलाइज करता है किसको, स्टार्च को, किसमें, माल्टोज में एंड अल्फा लिमिट डेक्सट्रीन। ठीक है, और अल्फा लिमिट डेक्सट्रीन में उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। फिर है बाइकार्बोनेट आयन, बेटा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, बाइकार्बोनेट आयन ऑफ सलाइवा न्यूट्रलाइज द एसिडिक एसिड प्रेजेंट इन द फूड, अगर फूड में कोई भी आपने एसिड लिया है तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बाइकार्बोनेट आयन करेंगे। ठीक है, फूड रिमेन फॉर अ शॉर्ट टाइम इन द बकल कैविटी, फूड जो है बकल कैविटी में बहुत कम समय के लिए रहता है, हैंस द स्टार्च इज पार्शियली डाइजेस्ट, इसलिए स्टार्च जो है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है, पार्शियली मतलब बहुत कम समय के लिए डाइजेशन होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो स्टार्च का पार्शियली डाइजेशन होता है, पार्शियली का मतलब होता है बेटा कम अमाउंट में। ठीक है, ओके, अब देखिएगा क्या कह रहा है, स्टार्च जो है वो पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, अमाइलेज एंजाइम 6 to 7 pH के ऊपर इसको माल्टोज और डेक्सट्रोज में
डेक्सट्रिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, डेक्सट्रिन क्या है, वो 3 to 9 मॉलिक्यूल है, एक कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज का कंपाउंड है जिसमें 3 to 9 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा क्या कह रहा है, डाइजेशन इन स्टमक, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ। फूड इज चर्न बाय द प्रीलिस्टिक वेव्स, प्रीलिस्टिक वेव्स होता है, चर्न का मतलब होता है बेटा, नॉर्मली मैं बताऊँ आप लोगों को, तो क्रमाकुंचन मूवमेंट होता है, यानी कि इसमें पहुँचाया जाता है, ठीक है ना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मूवमेंट होती है इन स्टमक एंड गैस्ट्रिक जूस। चर्न का मतलब पता क्या होता है, उसको वैसे आप लोग ग्राइंड भी बोल सकते हो, हालांकि ग्राइंड वैसे इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। ठीक है, ओके, स्टमक, ठीक है, एंड गैस्ट्रिक जूस मिक्स इन इट, और स्टमक में आता है तो उसके बाद उसमें क्या मिलाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस मिलाया जाएगा। इन फूड रिमेन 3 to 4 hours, जो फूड है वो 3 to 4 hours स्टमक में रहता है बेटा। पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक प्लेस, पार्शियल मतलब कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, स्मॉल अमाउंट में डाइजेशन हो रहा है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस। अब गैस्ट्रिक जूस में बेटा क्या क्या है, HCl है, म्यूकस है, पेप्सिनोजन है और गैस्ट्रिक लाइपेज है। अच्छा, पेप्सिनोजन का भी फंक्शन आगे बताऊंगा, लाइपेज इन स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होते हैं। गैस्ट्रिक जूस इज हाईली एसिडिक, ये एसिडिक होता है, हाईली मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, क्योंकि इसकी pH क्या है, 1 to 2 के बीच में है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl के प्रेजेंस के कारण इट रिड्यूस द pH ऑफ फूड। अच्छा, अब HCl जैसे आके मिला तो फूड की pH क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। इन लो pH की बात करें, एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी अमाइलेज स्टॉप, अब लो pH के ऊपर क्या है कि जो सलाइवा का अमाइलेज था, ये वाला एंजाइम था, इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है बेटा, इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब जब एमाइलेज की एक्टिविटी, एमाइलेज ने काम करना बंद कर दिया, तो कौन सा करेगा, HCl एसिड उसके ऊपर काम करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को काम कर खत्म करता है। अगर कोई बैक्टीरिया बाय चांस फूड के साथ आ गया तो इट आल्सो डिसॉल्व द हार्ड एलिमेंट, ये हार्ड एलिमेंट जो था उनको भी डिसॉल्व करता है इन फूड, फूड के पेप्सिनोजन इज इनएक्टिव फॉर्म, अब पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म है विच हैज़ नॉट एंजाइमेटिक एक्टिवेशन, जिसका कोई जो कोई एंजाइमेटिक एक्टिवेशन नहीं करती है, HCl एसिड कन्वर्ट इट इनएक्टिव फॉर्म। अच्छा, पेप्सिनोजन जो है वो स्टार्टिंग में इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है, अब वो क्या करता है उसको देखिएगा, पेप्सिनोजन इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, अब इस इनएक्टिवेट को एक्टिवेट कौन करेगा, पेप्सिनो, और पेप्सिन क्या होता है बेटा, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो HCl एसिड ने पहले इसके ऊपर वर्क किया तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया, एक्टिव फॉर्म में आ गया। अब एक्टिव पेप्सिन किसको हाइड्रोलाइज करेगा, हाइड्रोलाइज का मतलब पता क्या होता है, ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसने हाइड्रोलाइज किया प्रोटीन को किस में, प्रोटीओज में, पेप्टोन्स में और सम पॉलीपेप्टाइड्स में। ठीक है ना, अब ये देखो प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहा है, पेप्सिन और HCl दोनों मिलकर, पीएच क्या है, 2.2 to 3 है, 2 to 3 पीएच है। ठीक है, पीएच 2 to 3 है, किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोटीओज में, पेप्टोन में और पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है ना, अब पेप्सिन इज अ मेन एंजाइम इन स्टमक, याद रखिएगा, स्टार बना रहा हूं यहां पर, ये मेन एंजाइम है स्टमक का फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। मिल्क कोएगुलेटिंग एंजाइम रेनिन इज एब्सेंट इन द ह्यूमन। अच्छा, ह्यूमन के जो स्टमक में बेटा मिल्क को पचाने वाला, मिल्क को डाइजेस्ट करने वाला जो रेनिन एंजाइम है वो एब्सेंट होता है। छोटे बच्चों में तो ठीक है, ईसोफेगस में और स्टमक में होता है, लेकिन लार्ज अडल्ट वन में नहीं होता। गैस्ट्रिक लाइपेज, अब ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में लाइपेज भी होता है, इज अ वीक एंजाइम, वो वीक एंजाइम है, कमजोर एंजाइम है फॉर द डाइजेशन ऑफ द फैट। तो ये लाइपेज एंजाइम बेटा कहाँ एक्ट करेगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्ट करेगा। इट कैन डाइजेस्ट फैट इन वेरी लो क्वांटिटी, ये बहुत कम क्वांटिटी में फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है बेटा, अब इट डाइजेस्ट द ट्राइब्यूटरिन, बेटा ट्राइब्यूटरिन एक ऐसी फैट है जो बटर में, मक्खन में होती है, मक्खन में उपस्थित वसा जो होती है उसका नाम क्या है, क्वेश्चन आता है, राइट द नेम ऑफ फैट प्रेजेंट इन द बटर, तो वो कौन सी होती है, ट्राइब्यूटरिन, कौन सी होती है, ट्राइब्यूटरिन। ठीक है, ये ट्राइब्यूटरिन को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में आफ्टर डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक में डाइजेशन के बाद में फूड इज कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड फूड पेस्ट। ठीक है, वो फूड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो लाइक सब्सटेंस कॉल्ड काइम, जिसे आप लोग काइम बोलते हो। ठीक है, अब मिल्क फैट है, गैस्ट्रिक लाइपेज ने अटैक किया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। अब HCl के एडवांटेजेस लिख रहा है, HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन फिर भी ये हार्म नहीं करता किसको, स्टमक की वॉल को। क्यों नहीं करता, बिकॉज इनर वॉल ऑफ स्टमक हैज अ थिक कवरिंग,
जो इनर वॉल है उसमें थिक कवरिंग होती है म्यूकस की विच इज़ नॉट पेनीट्रेटेड बाय HCl, जो कि अब क्या है कि ठीक है थिक क्लियर है जिसके ऊपर HCl का कोई इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। ओके, सो इट कैन नॉट रीच द सेल्स एंड डज नॉट हार्म टू इट्स वॉल, और ये क्या है कि सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है और उसकी वॉल को हार्मफुल इम्पैक्ट शो नहीं कर पाता है। क्लियर है, क्लियर है ना बेटा। तो यहां तक आप लोगों का स्टमक के अंदर डाइजेशन हो गया, क्लियर है। अब देखिएगा नेक्स्ट आता है आपके पास इंटेस्टाइनल डाइजेशन। अब देखो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, पार्शियली मतलब कि जिसमें नॉर्मली किस किस का पार्शियल डाइजेशन हुआ था, आपका प्रोटीन हुए थे, ठीक है, फैट था, कार्बोहाइड्रेट था जो स्टमक से निकला, ठीक है। फूड अब वो एसिडिक भी है, काइम है, स्टमक से आया, अब वो कार्बो जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है स्लोली मूव टू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है बेटा, अपर पार्ट है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि नॉर्मली जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की किस पार्ट में होता है, बेटा मेनली डाइजेशन ड्यूडेनम में हो जाता है। अब ड्यूडेनम में आ गया तो ड्यूडेनम में कौन सी है, ब्रूनर ग्लैंड है। ड्यूडेनम में कौन सी ग्लैंड होती है बेटा, ब्रूनर ग्लैंड होती है। अब ये ब्रूनर ग्लैंड क्या करती है, इसमें ये एक एंजाइम को रिलीज करती है, ठीक है, जो एक एल्केलाइन लिक्विड है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, बाइकार्बोनेट और म्यूकस है, बहुत हाई अमाउंट में। अब इसकी पीएच क्या होती है, 8.9। पीएच क्या है, 8.9, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है ड्यूडेनम को, ड्यूडेनम की वॉल को। अब अच्छा ये लिक्विड जो ब्रूनर ग्लैंड रिलीज किया जिसकी पीएच 8 to 9 है, ठीक है, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट कर रहा है ड्यूडेनम की वॉल को फ्रॉम द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब जो गैस्ट्रिक जूस आएगा, ठीक है, लिवर से जो गैस्ट्रिक जूस आया उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अब उस एल्केलाइन लिक्विड के साथ साथ पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस भी एंटर कर जाते हैं ड्यूडेनम में, ठीक है। दोनों कहाँ से निकलते हैं, पैंक्रियाटिक जो पैंक्रिया से निकलता है, बाइल जूस याद रखना निकल बनता लिवर में है लेकिन रिलीज कौन करता है, गॉल ब्लैडर, क्योंकि गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, ठीक है। ओके, अभी ड्यूडेनम में आए तो पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट ऑफ द बाइल न्यूट्रलाइज द एंजाइम, ये काइम को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज मतलब कि उसकी एसिडिटी को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस द एसिडिटी, ठीक है, ठीक है ना बेटा। अब इंटेस्टाइनल जूस कंटेन, अब इंटेस्टाइन का जो जूस है वो भी आ गया साथ में, भाई वो कह रहा है मैं क्यों पीछे रहूं। कंटेन हाइड्रोलाइट्स एंड वाटर, वाटर और हाइड्रोलाइट्स होते हैं, हाइड्रोलाइट्स होते हैं बेटा जल अपघटे, ठीक है, जो वाटर के प्रेजेंस के अंदर डिग्रेडेशन करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर वर्चुअली एब्सेंट इन इट, और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो नहीं होते। इट इज स्लाइटली एल्केलाइन, ये हल्का एल्केलाइन होता है जिसकी पीएच 7.5 to 8 होती है। लिक्विड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कम्प्लीटेड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम, अच्छा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बेटा कौन कम्प्लीट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम कम्प्लीट करते हैं। सिक्रिटेड बाय द एंटेरोसाइट सेल्स, अंडरलाइन कर देना बेटा कि नॉर्मली आपके ड्यूडेनम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको कौन रिलीज करता है, एंटेरोसाइट सेल्स, ठीक है। कौन सी सेल्स रिलीज करती है, एंटेरोसाइट सेल्स, ओके। अब बात करते हैं आगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड की जो इंटरसाइट सेल्स होती है वो रिलीज करती है। मैक्सिमम डाइजेशन मतलब मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है यानी कि 90% जो डाइजेशन की रिएक्शन है वो कहाँ कंप्लीट हो रही है, ड्यूडेनम में। वाइल एब्जॉर्प्शन बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इंटेस्टाइन का उसमें एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है, ठीक है। फॉर दिस नियरली 4 to 5 hours, अब इसके लिए 4 to 5 घंटे लगते हैं, इसलिए फूड जो है वो इंटेस्टाइन में 4 to 5 घंटे रहता है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा अब ये बाइल साल्ट की बात कर रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, हमने डाइजेशन पढ़ लिया, हालांकि कॉमन इतना ही है। आगे देखो क्या कह रहा है, बाइल सॉल्ट जो है उसमें बाइल एसिड होता है, सॉल्ट होता है सोडियम और पोटेशियम के, ठीक है, और लेसिथिन होता है। ये इंपॉर्टेंट है इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। इमल्सिफिकेशन पता है क्या होता है कि नॉर्मली जो फैट के लार्ज मॉलिक्यूल है ना बेटा इनको स्मॉलर ग्रेन्यूल्स के रूप में तोड़ना, छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ना, ठीक है, सुनना मेरी बात। क्या होता है, इट इज़ अ नेचुरल डिटर्जेंट, ये एक नेचुरल डिटर्जेंट है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अब इमल्सिफिकेशन में होता क्या है, केमिस्ट्री में आपके आएगा डिटेल में, काफी बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री की बात सुनिएगा कि बाइल साल्ट के अंदर लेसिथिन जो होता है उसका एक पार्ट तो पोलर होता है, दूसरा नॉन पोलर होता है। जो नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट डिजोल्व इन द सर्फेस ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स, नॉन पोलर जो फैट ग्लोब्यूल्स की सर्फेस में डिजोल्व हो जाएगा एंड पोलर पार्ट रिमेन, ठीक है। अब वो डिजोल्व इन द वाटर, अब पोलर जो पोलर पार्ट है वो फूड में जो वाटर है उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ड्यू टू दिस एक्टिविटी, एक्टिविटी के कारण सरफेस टेंशन ऑफ द फैट ग्लोब्यूल्स रिड्यूस, जो फैट ग्लोब्यूल्स है उनका सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव जो वो कम हो जाता है,
जिससे क्या होगा, रिजल्टिंग, जिससे अब उससे क्या होगा भाई, वो दोनों जुड़ गए तो उससे ब्रेकडाउन ऑफ द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल साइज, जिसका एक माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, ठीक है, फैट ड्रॉपलेट्स बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस एक्टिविटी को आप लोग क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। एंजाइम्स जो होते हैं, अब फैट और बाइल है, उससे इमल्सिफिकेशन किया, इमल्सिफाइड फैट बन गए, ठीक है, क्या बन गया, इमल्सिफाइड फैट। अब बात करें पैंक्रियाटिक जूस की, बात करें भाई, बाइल सॉल्ट बोल रहा है, उसका फंक्शन बताया तो पैंक्रियाटिक जूस कहेगा, मेरा भी फंक्शन बताओ। तो देखिएगा, पैंक्रियाटिक जूस हैज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उसमें प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड लैक्टेज और एलेस्टेज होते हैं। दीज आर सिक्रीटेड इन इनएक्टिव फॉर्म, ये सिक्रीट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल इनएक्टिवेटेड ट्रिप्सिनोजन इज इनएक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेज, ठीक है, ये सारे इनएक्टिवेटेड होते हैं एंटेरोकाइनेज एंजाइम्स के थ्रू। अब ये इनएक्टिवेटेड थे सारे एंजाइम्स स्टार्टिंग में, इनको एक्टिवेट कौन करता है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेट करता है, कर लिया। अब जो इंटेस्टाइन ने रिलीज किया, ठीक है, आफ्टर एक्टिवेशन डिफरेंट एंजाइम्स टेक पार्ट एज फॉलोज डाइजेशन, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, उसको एंटेरोकाइनेज ने एक्टिवेट कर दिया, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये ट्रिप्सिन किसके ऊपर अटैक करेगा, ये बाकी के रिमेनिंग तीन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और प्रोएलास्टेज, ठीक है, इनको इसने एक्टिवेट कर दिया। अब एक्टिवेट करने के बाद जो ट्रिप्सिन है और काइमोट्रिप्सिन है, वो प्रोटीओ, ट्रिप्सिन जो है वो नॉर्मली प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन, तो एक प्रोटीओज पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड के ऊपर अटैक करेगा, जिसको स्मॉल पॉलीपेप्टाइड ट्राईपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब स्मॉल पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज अमाइनो एसिड के अंदर और डाईपेप्टाइड के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर एक स्टार मेन पॉइंट है, इलास्टिन फाइबर जो है ना बेटा, आर प्रेजेंट इन द फूड आर डाइजेस्टेड बाय द इलास्टेज, तो इलास्टेज एंजाइम का काम क्या है, फूड में प्रेजेंट फाइबर का डाइजेस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड अदर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज्ड होता है ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, बाय द पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ओके, एंड आर कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। अच्छा, इनको स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में, और ऑलिगोसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देगा। याद रखिएगा, जो माल्टेज वो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम है, क्योंकि ये लगभग आधे घंटे में, नियर बाय विद इन हाफ एन आवर में बेटा इसका डिग्रेडेशन कर देता है, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ लाइपेज, लाइपेज बेटा किसके लिए, लिपिड डाइजेशन या फैट के डाइजेशन के लिए, या फैट डाइजेशन के लिए एंजाइम विच डाइजेस्ट ऑल द ट्राइग्लिसराइड अवेलेबल इन द फूड। अब देखो, इमल्सिफाइड फैट है, यहाँ पर जो इमल्सिफिकेशन हुआ था, उस फैट को बेटा लाइपेज क्या करेगा, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ठीक है। फिर आता है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज एंड फॉस्फोलाइपेज ए ग्रेजुअली हाइड्रोलाइज। अब ग्रेजुअली मतलब साथ साथ धीरे धीरे वो टूट जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में एंड फॉस्फोलिपिड में रिस्पेक्टिवली इन द सेपरेट फैटी एसिड फ्रॉम दैम, ठीक है। और राइबोन्यूक्लियस एंजाइम जो डीएनए और आरएनए को डिग्रेड करेगा। एंजाइम प्रेजेंट इन एंट्रोसाइटिक सेल्स, अब एंट्रोसाइटिक सेल्स जो बेटा जो आप लोगों की इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अंदर थी, उसमें से जो एंजाइम निकलेंगे वो कैसे करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन कैरी द डाइजेस्टिव एक्टिविटीज एज फॉलोज, द एंजाइम बाउंडेड विद द आउटर सरफेस ऑफ माइक्रोवेलाई, ये अंदर नहीं घुसते, माइक्रोवेलाई के आउटर सरफेस के ऊपर ही होते हैं और वहीं डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। हाइड्रोलाइज द फूड कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद दैम, ठीक है। जैसे सुक्रेज किसको करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, लैक्टेज बेटा मिल्क शुगर लैक्टोज के ऊपर वर्क करेगा, ठीक है, उसको ग्लूकोज और लैक्टोज में, अल्फा लिमिट डेक्सट्रिनेज जो है वो डेक्सट्रिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, अमीनोपेप्टिडेज पॉलीपेप्टाइड को डाईपेप्टाइड और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा, और डाईपेप्टाइड से डाईपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके के ये एग्जांपल्स आएंगे आप लोगों के। और जो इंटेस्टाइनल लाइपेज है वो फैटी एसिड को कन्वर्ट, ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट करेगा किसमें, फैटी एसिड में और मोनोग्लिसराइड के अंदर, ठीक है, क्लियर है बेटा, ओके।